अथ तृतीय अध्याय। माया निर्मित नगर में शील निधि की कन्या पर मोहित हुए नारद जी का भगवान विष्णु से उनका रूप मांगना, भगवान विष्णु का अपने रूप के साथ वानर का सा मुंह देना, कन्या का भगवान को वरण करना और कुपित हुए नारद का शिव गणों को शाप देना। ऋषया उचु। नमस्तुते आत्मते यम कथा तात वर्णिता कृपया हिनः। ऋषिगण बोले, हे सूत सूत, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, आपको नमस्कार है। हे तात, कृपा पूर्वक आपने हम सभी को जो कथा सुनाई है वह निश्चित ही आश्चर्यजनक है। मुनोगते हरिस्तात किंच कार ततः परम तात। मुनि के चले जाने के पश्चात भगवान विष्णु ने क्या किया और नारद जी कहाँ गए, वह सब आप हम लोगों को बताएं। व्यास वाच। कन्या वचस्ते शाम सुतः पौराणिकोत्तम प्रत्युवाच शिवम स्मृत्वा नाना सूति करम बुध। व्यास जी बोले, उन ऋषियों की बात सुनकर पौराणिकों में श्रेष्ठ तथा बुद्धिमान सूत जी नाना प्रकार के सृष्टि करने वाले शिव का स्मरण करके कहने लगे। सूत उवाच। मुनो यद्रिच्छया विष्णु गते तस्मिन् हि नारदे शिवेच्छाया चकाराशु मायां माया विशारद। सूत जी बोले, हे महर्षियों, उन नारद मुनि के इच्छा अनुसार वहां से चले जाने पर भगवान शिव की इच्छा से माया विशारद श्री हरि ने तत्काल अपनी माया प्रकट की। मुनि मार्गस्य मध्ये तु विरेचे नगरं महत् शतयोजन विस्तारं अद्भुतं सुमनोहरम्। उन्होंने मुनि के मार्ग में एक विशाल 100 योजन विस्तार वाले अद्भुत तथा अत्यंत मनोहर नगर की रचना की। लोकादधिकं रम्यं नानावस्तु विराजितं नरनारी विहाराढ्यं चतुर्वर्णकुलंबरम्। भगवान ने उसे अपने वैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय बनाया। नाना प्रकार की वस्तुएं उस नगर की शोभा बढ़ाती थी। वहाँ स्त्रियों और पुरुषों के लिए बहुत से विहार स्थल थे। वह नगर चारों वर्णों के लोगों से युक्त था। तत्र राजा शीलनिधिर नामैश्वर्य समन्वितः सुता स्वयं वरोद्युक्तो महोत्सव समन्वितः चतुर्दिग्भ्य समायातः संयुतं नृपनन्दनः नानावेशैः सुशोभैश्च तत्कन्यावरणोत्सुकः। वहाँ शील निधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करते थे। वे अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए उद्यत थे, अतः उन्होंने महान उत्सव का आयोजन किया था। उनकी कन्या का वरण करने के लिए उत्सुक हो चारों दिशाओं से बहुत से राजकुमार आए थे, जो नाना प्रकार की वेशभूषा तथा सुंदर शोभा से प्रकाशित हो रहे थे। उन राजकुमारों से वह नगर भरा पूरा दिखाई देता था। ऐसे राजनगर को देख नारद जी मोहित हो गए। वे कौतुकी का आसक्त नारद राजा शील निधि के द्वार पर गए। आगतम मुनिवर्यं तं दृष्ट्वा शील निधिर्नृपः
उपायशयाचक्रे रत्न सिंहासन वरे। मुनि श्रेष्ठार्थ को आया देखकर राजा श्रीनिधि ने उन्हें श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बैठाकर उनका पूजन किया। अथ राजा स्वतरयाम नामतः श्रीमतिं वरां नारदस्य समानीय पादयो समुपातय। तत्पश्चात राजा ने श्रीमती नामक अपनी सुंदरी कन्या को बुलवाकर उससे नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। कन्याम पृच्छ सामो नारदः प्रह विस्मितः कियं राजन् महाभागा कन्या सुर सुपपमा। उस कन्या को देखकर नारद मुनि चकित हो गए और बोले, हे राजन, यह देव कन्या के समान सुंदरी तथा महाभाग्यशाली कन्या कौन है? तस्य तत्वचनं श्रुत्वा राजा प्राह कृतञ्जलिः तुहि ते मम मुने श्रीमती नम नामतः। उनकी यह बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुने, यह मेरी पुत्री है, इसका नाम श्रीमती है। कदान समयं प्राप्ता वरमन्विषति शुभम् सा स्वायं वर संप्राप्ता सर्वलक्षण लक्षिता। अब इसके विवाह का समय आ गया है, यह अपने लिए सुंदर वर चुनने के लिए निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है, इसमें सब प्रकार के शुभ लक्षण लक्षित होते हैं। अस्या भाग्यं वदमूने सर्वं जातक मादरात् कीदृशं तनयेयं मे वरमाप्स्यति तत्वदा। हे महर्षि, आप जन्मस्थ जातक ग्रहों के अनुसार इसका संपूर्ण भाग बताएं और यह मेरी पुत्री कैसा वर प्राप्त करेगी यह भी कहें। इति उक्तो मुनि शार्दूलस्तामिक्षुकं विह्वलः समाभाष्य सराजानं नारदो वाक्यमब्रवीत्। राजा के इस प्रकार पूछने पर काम से विह्वल हुए मुनि श्रेष्ठ नारद उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मन में लिए राजा को संबोधित करके यह वाक्य बोले, सुतेयं तव भूपाल सर्वलक्षण लक्षिता महाभाग्यवती धन्या लक्ष्मी देव गुणालया सर्वेश्वरो जितो वीरो गिरीश सदृशो विभु अस्यः पाते ध्रुवं भावि कामजेसुर सत्तमः। हे भूपाल, आपकी यह पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न परम सौभाग्यवती धन्य और साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों का आधार है। इसका पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली सर्वेश्वर किसी से पराजित न होने वाला वीर काम विजयी तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। मंत्र यादृचिको मुनिः बभूव काम विवश शिव माया विमोहितः। ऐसा कहकर राजा से विदा लेकर इच्छा अनुसार विचरने वाले नारद मुनि वहाँ से चल दिए। वे काम के वशीभूत हो गए थे, शिव की माया ने उन्हें विशेष मोह में डाल दिया था। चिते विचिन्त सामुनि प्राप्नुयां कन्यकां कथं स्वयं वारे नृपालाना विकम्मा विनुयात् कथम्। वे मुनि मन ही मन सोचने लगे कि मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं, स्वयंवर में आए हुए नरेशों में से सबको छोड़कर यह एकमात्र मेरा ही वर्ण कैसे करें। सौंदर्यं सर्वनारीणां प्रियं भवति सर्वथा तद्दृष्ट्वा प्रसन्ना सा स्ववशानात्र संशयः विधायेत्थं विष्णुरूपं विहितुं मुनिसत्तमः विष्णुलोकं जगामाशु नारदः स्मर विह्वलः। समस्त नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है, सौंदर्य को देखकर ही वह प्रसन्नता पूर्वक मेरे अधीन हो सकती है, इसमें संशय नहीं है। ऐसा विचार कर काम से विह्वल हुए मुनिवर नारद भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने के लिए तत्काल उनके लोक में जा पहुँचे। प्रणिपत्य ऋषिकेशं वाक्य में तद्वचः रहसि त्वां प्रवक्ष्यामि स्ववृत्तान्तं शेषतः।
वहाँ भगवान विष्णु को प्रणाम करके वे यह वचन बोले, हे भगवान, मैं एकांत में आपसे सारा वृत्तांत कहूंगा। तथेत्युक्ते तथा भूते शिवेच्छा कार्यकर्तरी रुहित्युक्तावती श्रीशे मुनिराह च केशवम्। तब बहुत अच्छा यह कहकर शिव इच्छित कर्म करने वाले लक्ष्मीपति श्रीहरि नारद जी के साथ एकांत में जा बैठे और बोले, हे मुने, अब आप अपनी बात कहिए। तब केशव से मुनि नारद जी ने कहा, नारद उवाच, पदियो भूपति शील सावृष तत्पर असा कन्या विशालाक्षी श्रीमती वरवर्णिनी। नारद जी बोले, हे भगवान, आपके भक्त तो राजा शीलनिधि हैं, वे सदा धर्म पालन में तत्पर रहते हैं। उनकी एक विशाल लोचना कन्या है जो बहुत ही सुंदरी है, उसका नाम श्रीमती है। जगन मोहिन भी ख्याता त्रैलोक्य प्रति सुंदरी परिणे तू महावेश्यु कामेच्छाम्यद माचिरम। वह जगन मोहिनी के रूप में विख्यात है और तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी है। हे विष्णु, आज मैं शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। स्वयं वरम चकारासौ भूपति स्तनये क्षया चतुर्दिग्भ्यः समायाता राजपुत्रः सहस्रशः यदि दास्यसि रूपं मे तदा तं प्राप्नुय ध्रुवम् कंठे जयमानं दास्यति। राजा शीलनिधि ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयं बचाया है, इसलिए चारों दिशाओं से वहाँ हजारों राजकुमार आए हैं। यदि आप अपना रूप मुझे दे दें तो मैं उसे निश्चित ही प्राप्त करूँगा। आपके रूप के बिना वह मेरे कंठ में जयमाला नहीं डालेगी। स्वरूपं देहि मे नाथ सेवको हम प्रियस्तव हे नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, अतः आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, जिससे वह राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मुझे वरण कर ले। सूत उवाच, वचन श्रुत्वा मुनिरित्थं विहस्य मधुसूदनः शांकरीं प्रभुतां बुद्ध्वा प्रत्युवाच दयापरः। सूत जी बोले, हे महर्षि, नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन दयालु प्रभु ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। विष्णु उवाच, श्रेष्ठ देशम मुने गच्छ करिष्यामि हितं तव विषत्वारो यथार्थस्य यतः प्रियतरसि मे। विष्णु बोले, हे मुने, आप अपने अभीष्ट स्थान को जाइए, मैं उसी तरह आपका हित साधन करूंगा जैसे श्रेष्ठ वैद्य अत्यंत पीड़ित रोगी का हित करता है, क्योंकि आप मुझे विशेष प्रिय हैं। हेतुत्वा मुनये तस्मै ददौ विष्णुर्मुखं हरे स्वरूपमनुगृह्यस्य तिरोधानं जगमसः। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख तो वानर का दे दिया और शेष अंगों को अपने जैसा स्वरूप देकर वे वहाँ से अंतर्धान हो गए। एव मुक्तो मुनिर्हृष्टः स्वरूपं प्राप्य वै हरः विनिकृतात्मात्मानं तद्यत्नं नबुबोधसः। भगवान की पूर्वोक्त बात सुनकर और उनका मनोहर रूप प्राप्त हो गया समझकर नारद मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। वे अपने को कृतकृत्य मानने लगे, किंतु भगवान के प्रयत्न को वे समझ न सके। अथ तत्र गतः शीघ्रं नारदो मुनि सत्तमः चक्रे स्वयं वरं यत्र राजपुत्रः समकुलम्। तदंतर मुनिश्रेष्ठ नारद शीघ्र ही उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ राजा शीलनिधि ने राजकुमारों से भरी हुई स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। स्वयंवर सभा दिव्य राजपुत्र समावृता सुशोभेति विप्रेन्द्र यथा शक्र सभा परा। हे विप्र वरों, राजपुत्रों से घिरी हुई वह दिव्य स्वयंवर सभा दूसरी इंद्र के समान अत्यंत शोभा पा रही थी। तस्यां नृप सभायां वै नारदः समुपाविशत् स्थित्वा तत्र विचिन्तेति प्रीतियुक्तेन चेतसा।
मम रिष्यति नान्यं सा विष्णुरूप धरं ध्रुवम् अनन्यस्य कुरूपत्वं न वेद मुनि सत्तमः। नारद जी उस राजसभा में जा बैठे और वहाँ बैठकर प्रसन्न मन से बार बार यही सोचने लगे, मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण किए हुए हूँ, अतः वह राजकुमारी अवश्य मेरा ही वर्णन करेगी, दूसरे का नहीं। मुनिश्रेष्ठ नारद को यह ज्ञात नहीं था कि मेरा मुख रूप है। पूर्व रूपम मुनिम सर्वे ददृशोस्तत्र मानवः तद्भेदं बुभुतोस्तेन राजपुत्रादयो द्विजः। हे विप्र, उस सभा में बैठे हुए सभी मनुष्यों ने मुनि को उनके पूर्व रूप में ही देखा, राजकुमार आदि कोई भी उनके रूप परिवर्तन के रहस्य को न जान सके। तत्र रुद्र गणोद्भवो तदक्षरार्थं समागतः विप्ररूपधरो गुणौ तद्भेदं जज्ञतु परम् मूढं मत्वा मुनिं तौ निकटं जग्मतुर्गणौ कुरुतस्तत्प्रह संवे आशुमाणौ परस्परम्। वहाँ नारद जी की रक्षा के लिए भगवान रुद्र के दो गण आए थे जो ब्राह्मण का रूप धारण करके गुण भाव से वहाँ बैठे थे। वे ही नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे। मुनि को कामावेश से मूड हुआ जानकर वे दोनों गण उनके निकट गए और आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे। पश्य नारद रूपम हि विष्णोरेव महोत्तमम् मुखं तु वनरस्येव विकटं च भयंकरम् इच्छत्ययं नृपसूतं वृथैव स्वरमोहितः इत्युक्त्वा सक्षरं वाक्य मुपहासं प्रशक्रतुः। देखो, नारद का रूप तो निश्चित ही भगवान विष्णु के समान श्रेष्ठ है, किंतु मुख वानर के समान विकट और महाभयंकर। काम मोहित ये व्यर्थ में ही राजपुत्री को प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं। इस प्रकार की कपट पूर्वक बातें कहकर वे नारद का उपहास करने लगे। न सुश्राव यथार्थं तु तद्वाक्यं स्मरवे वलः परक्षाक्षीमतीं तं वै तलिप्सुर्मोहितो मुनिः। मुनि तो काम से विवल थे, अतः उन्होंने उनकी यथार्थ बात भी अनसुनी कर दी। वे मोहित हो उन श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से उनके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। एतस्मिन् अन्तरे भूप कन्या चान्त पुरतुसा त्रिभिः समावृता तत्र जगामवरवर्णिनी मालां हिरण्मयीं रम्या मालाय शुभ लक्षण पत्र स्वयं वरे रेजे स्थितामतिरमेव सा। इसी बीच स्त्रियों से घिरी हुई वसुंधरी राजकन्या अंतःपुर में वहाँ आई। अपने हाथ में सोने की सुंदर माला लिए हुए वशुभलक्षण राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी के समान खड़ी हुई अपूर्व शोभा पा रही थी। अभ्राम सर्वं मरमादय सुव्रता परामन्वेषति तत्र स्वात्माभीष्टं नृपात्मजा। उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह भूप कन्या हाथ में माला लेकर अपने मन के अनुरूप वर का अन्वेषण करती हुई सारी सभा में भ्रमण करने लगी। वानरस्यं विष्णुतरुं मुनिं दृष्ट्वा चुकुपुसा दृष्टिं निवर्चतथ प्रस्थिता प्रीतमानसा। नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और वानर जैसा मुंह देखकर वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली गई। दृष्ट्वा स्वावरं तत्र त्रस्तासिन्मनेप्सितम् अन्तः सा भास्थिता कस्मिन् नर्पयामस न स्रजम्। स्वयंवर सभा में अपने मनोवांछित वर को न देख कर वह दुखित हो गई। राजकुमारी सभा के भीतर चुपचाप खड़ी रह गई और उसने किसी के गले में जयमाला नहीं डाली। एतस्मिन् नगरे विष्णु राजगाम नृपकृतिः न दृष्टः कश्चित् परः केवलं सा ददर्शहि। इतने में राजा के समान वेशभूषा धारण किए हुए भगवान विष्णु वहाँ आ पहुँचे, किन्हीं दूसरे लोगों ने उनको वहाँ नहीं देखा, केवल उस कन्या ने ही उन्हें देखा।
अथ सातम समालोक्य प्रसन्न वदनाम्बुजाम् अर्पयामास तत्कंठे अमालम्बरुपर्णिनि। भगवान को देखते ही उस परम सुंदरी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा, उसे तत्काल ही उनके कंठ में माला पहना दी। तमादाय ततो विष्णु राज रूप धर प्रभु अंतर्धान मगत सद्यः स्वस्थानं प्रययौ किल। राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत अदृश्य हो गए और अपने धाम में जा पहुंचे। सर्वे राजकुमाराश्च निराशाः श्रीमतिं प्रति मुनिस्तु विह्वलोऽतीव बभूव मदनातुरः। इधर सब राजकुमार श्रीमती की ओर से निराश हो गए। नारद मुनि तो काम वेदना से आतुर हो रहे थे, इसलिए वे अत्यंत विह्वल हो उठे। तदाता वो चतुः सद्यो नारदं स्वर विह्वलम् तब वे दोनों विप्र रूपधारी ज्ञान विशारद रुद्र गण काम विह्वल नारद जी से कहने लगे, गणा वो चतु हे नारद मुने तम ही प्रथा मदन मोहितः कलित सुह स्वामुखं पश्य वानरस्य गर्हितम्। गण बोले, हे नारद, हे मुने, आप व्यर्थ हो काम से मोहित हो रहे हैं और सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हैं। वानर के समान अपना घृणित मुंह तो देख लीजिए। सूत उवाच हित्या कर्ण्यतयोर्वाक्यं नारदो विस्मितो भवत् मुखं ददश भूपुरे शिव माया विमोहितः। सूत जी बोले, हे महर्षियों, उन रुद्रगणों का यह वचन सुनकर नारद को बड़ा विस्मय हुआ। वे शिव की माया से मोहित थे, उन्होंने दर्पण में अपना मुख देखा। स्वमुखं वानरस्येव दृष्ट्वा चोक्रोध सत्वरम् शापं ददौ तयोस्तत्र गणयोर्मोहितो मुनिः युवां ममुपहासं वै चक्रतुर्ब्रह्मणस्य हि वानर के समान अपना मुख देखकर वे तुरंत ही कुपित हो उठे और माया से मोहित होने के कारण उन दोनों शिवगणों को वहाँ यह श्राप दे दिया कि तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण का उपहास किया है, अतः तुम दोनों ब्राह्मण के वीर से उत्पन्न राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम्हारे आकार राक्षस के समान ही होंगे। इस प्रकार वे अपने लिए श्राप सुनकर ज्ञानियों में श्रेष्ठ वे दोनों शिव गणमुनि को मोहित जानकर कुछ नहीं बोले। स्वस्थानं जग्मतुर्विप्रा उदासीनो शिवस्तुतिं चक्रतुर्मन्यमानो वै शिवेक्षां सकलां सदा। हे ब्राह्मणों, वे सदा सब घटनाओं में भगवान शिव की इच्छा मानते थे, अतः उदासीन भाव से वे अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम प्रथम खंडे श्रिष्ट युपाख्याने नारद मोह वर्णनम नाम तृतीयोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में नारद मोह वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।